देखने को आ रहा है कि नाहरलगन पुलिस स्टेशन में ही काफ़ी निकल रहा है कोविड पॉजिटिव का जो इन्फेक्शन जो है, स्टेटस क्या है सर? काफ़ी चिंतित है लोग कैपिटल कॉम्प्लेक्स का। हाँ, उस दिन पहले तो अराउंड 11 था, फिर 9 ऐसा होके, फिर आज कल 4, फिर आज 8, कल रात को 4, अभी 8, अभी एंटीजन टेस्ट किया तो हमारा नाहरलगन थाना में 30 पॉजिटिव हो गया, इंक्लूडिंग माई SDPO, वन इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर, मतलब नाहरलगन थाना में तो अभी सिर्फ एक ऑफिसर पास गया है, वो भी अभी टेस्ट करने से वो इनसाइड पॉजिटिव निकलेगा होगा। बाकी ईटानगर में तो 3 था, तो अभी 33 कैपिटल पुलिस में है। सर, कैपिटल पुलिस पहले से जूझ रहा है, मैन पावर का कमी है, अभी नाहरलगन में ऐसा स्टेटस होने से आपको मैनेजमेंट में शायद दिक्कत होगा कि आपने एडिशनल फोर्स का रिक्विजिशन किया सर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए? नहीं, जितना भी पॉजिटिव केसेस है वी आर एफराइजिंग आवर सीनियर ऑफिसर्स, PH को, हमारा सीनियर ऑफिसर को। व्हाट आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू, सिंस यू आर द SP कैपिटल कॉम्प्लेक्स आल्सो एंड पापुमपर, टुडे वी हर्ड दैट यू आर होल्डिंग द चार्ज ऑफ पापुमपर आल्सो, तो सवाल ये उठता है कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स स्पेशल लॉकडाउन 3 में चल रहा है, तो यहाँ मैनेजमेंट में काफी पुलिस फोर्स का जरूरत पड़ता है, तो स्टेटस तो काफी कमी हो गया होगा। बहुत कमी। हम व्हाट्सएप में रिक्वेशन देते हैं, उसके बाद अभी ऐसा हो गया कि यहाँ भी लेकी में गार्ड देना है, होटल क्वारंटाइन तो चल ही रहा है अराउंड 30 जैसा, और अभी कंटेनमेंट एरिया उसमें भी देना है, फिर MLA अपार्टमेंट भी नया हो गया, हम तो एक एक लड़का खड़ा होने से हम लोग ड्यूटी करेगा। हम पॉजिटिव भी हो गया और मेरा जो पॉजिटिव पार्टी भी है इन लोग रिकवर होकर फिर ड्यूटी करेगा, हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं है, हम लोग घबराते नहीं है, हम भी खुद पॉजिटिव होने से आई वॉन्ट बी पैनिकिंग, मैं तो एकदम स्ट्रांग एंड ब्रेव होकर काम करूँगा और मरते दम तक ड्यूटी करेगा, ये हम लोग है। अभी सर क्या रिक्विजिशन आपने किया, क्योंकि अभी जैसे कि आपने कहा कि 33 कोई छोटा फिगर नहीं है सर, क्या सर, क्योंकि आपको मेन पावर चाहिए? नहीं, ऐसा है कि मेन पावर अभी सारा ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, और ये जो कोरोना वायरस कैपिटल में ही नहीं होगा, हम लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में और फैलेंगे, और मैं ये थोड़ा सा वार्निंग टाइप का भी बोलना चाहता हूँ, अगर हम सावधानी नहीं रहेंगे, हम हर एक आदमी अभी खुद को भी इन्फेक्ट नहीं करेगा सोचना है, दूसरों को भी इन्फेक्ट नहीं करेगा सोचना है, तब थोड़ा हम बच सकते हैं, अदरवाइज ये गाँव गाँव तक पहुँचेगा, हम ये नहीं चाहता है, हम बस अभी इसको रुका सकता है, वी कैन किक आउट अगर हम सब सावधानी रहे। देखिए, हम लोग का कैपिटल SP ऑफिस में भी एक पॉजिटिव था, जिसका साथ हम लोग शायद इवन 10 दिन तक काम किया हुआ साथ में, क्योंकि वो एक थोड़ा सा सिम्टम भी हो गया था, तो उसका मतलब हम अगर सावधानी बरतेंगे साथ में काम करने से भी, हम 119 वहाँ में जो पुलिस था हम लोग सब निगेटिव हुआ, मेरा दोबारा भी टेस्ट हुआ कन्फर्म करने के लिए, तब भी निगेटिव है। तो आप सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें सपोर्ट करो, हम लोग सब इधर ग्राउंड में दिन रात नहीं सो के, मेरा सिपाही लोग सब लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी अन्य डिपार्टमेंट है जो रिलेटेड है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप लेकिन AC रूम में बैठ के अननेसेसरी कमेंट करके हमें डिमोटिवेट ना करें, हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। सर, एक और जानने का था कि टोटल कितना कंटेनमेंट एरिया है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आपका ज्यूरिडिक्शन है, ईटानगर से बंदरदेवा का अंदर में? अभी कंटेनमेंट एरिया तो उस दिन फर्स्ट डे में तो 6 निकला था, लेकिन एक जो है JK टावर बोला हम, उसमें भी कोई कोई बोला है जुमदकीना बिल्डिंग क्यों लिखा है JK बिल्डिंग, हमको तो मेरा लड़का लोग सब जुमदकीना बिल्डिंग बताता बोल के हमने ऐसा लिखा था, ठीक है, वो JK टावर को नहीं था तो 7 था। उसके बाद यहाँ निर्जुली में भी दोकुम कॉलोनी सब कंटेनमेंट हो गए, अराउंड 11-12 है अभी, एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं क्योंकि DC भी एवरीडे कंटेनमेंट एरिया में जो रहते हैं, जो ज्यूरिडिक्शन में रहते हैं, उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि कंटेनमेंट एरिया में जो रहने वाला है उन लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, इन लोग ऐसा कंडक्ट करना है कि जैसे कि इन लोग क्वारंटाइन सेंटर में बैठा है, इसलिए उन लोग वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं अंदर नहीं आना है, कोई अंदर नहीं आना है, तो इसके लिए हम लोग पुलिस भी उसमें डिप्लॉयड है, तो इसलिए मेरा मतलब मेन पावर का तो बहुत काफ़ी शॉर्टेज है, तो हम उफे नहीं, पहले जहाँ में 10 लोग काम करते थे, 15 लोग काम करते थे, उसमें हम 3-4 लोग से भी काम चला रहे, हालत खराब है, फिर भी मतलब ऐसा है, ये पब्लिक को भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर नंबर बढ़ेगा आप किसी को भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि उसने ये नहीं किया उसने ये नहीं किया। देखिए, अभी सपोज 3000 बेड्स भी अगर गवर्नमेंट ने तैयार किया या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया, लेकिन पॉजिटिव केस अगर 6000 हो गया तो 7000 हो गया तो कहाँ रखेगा? एक दिन ऐसा आएगा अगर हम लोग सावधानी नहीं रहा, पॉजिटिव होकर भी अपना घर में रहना पड़ेगा लगता है।
और ऐसा दिन आएगा हम लोग भी पॉजिटिव होकर ड्यूटी करना पड़ेगा। मैं तो अगर आप लोग अगर होगा बोलने से मैं तो पॉजिटिव होकर भी ड्यूटी करेगा।